नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए उठती आवाज ने इस्लामाबाद को सख्ते में डाल दिया है। इमरान खान अज्ञातवास में चले गए हैं और बाजवा का बैंड पूरी तरह खामोश है। यही खामोशी अब किसी बड़े भूचाल का संकेत भी दे रही है। शुक्रवार और कल रविवार के दिन गुजरावाला से कराची तक इमरान की पतलून ढीली करने के लिए विपक्षी दलों के दो बड़े जलसों ने अपनी ताकत साबित कर दी है। पाकिस्तान में मचे इस घमासान से भारत भी सतर्क हो गया है। अंदेशा है कि बाजवा एंड कंपनी अपने घरेलू हालातों से ध्यान हटाने और विद्रोह को शांत करने के लिए एलओसी पर कोई बड़ा बवंडर खड़ा कर सकती है। खासकर नियंत्रण रेखा पर लगातार हो रही गोलाबारी किसी बड़ी जंग में बदल सकती है। खुफिया रिपोर्ट में ऐसी आशंका जाहिर की गई है कि पाकिस्तानी सेना मुल्क में अपनी धूमिल छवि को बचाने के लिए सीमा पर युद्ध शुरू कर सकती है। विगत 3 दिनों में पाकिस्तान ने अपनी सेना का भारी जमावड़ा एलओसी के नजदीक के एरिया में बढ़ाना शुरू कर दिया है। रावल पिंडी हेडक्वार्टर से सेना को किसी भी अगले आदेश के लिए तैयार रहने को कहा गया है। साथ ही अपनी टैंक रेजिमेंट को भी एलओसी पर अपनी पोजीशन मजबूत करने का आदेश दिया है। भारत की तरफ से कोई भी छूट पाकिस्तान को नहीं मिलने वाली है। भारत एलओसी से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमा तक करगिल युद्ध से भी अधिक सैन्य जमावड़ा पहले ही बढ़ा चुका है। भारत की नजरें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर गड़ी हुई है। इंडियन आर्मी इन इलाकों की पुनर्वापसी के लिए बड़ी रणनीति भी बना रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों को तैनात करके पाकिस्तान को सीधा संदेश भी भेज दिया है। यानी पाक फौज की किसी भी गुस्ताखी का भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। एलओसी से आ रही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने एलओसी से सटे गांव को खाली कराना शुरू कर दिया है। इन इलाके के लोगों को गांव से हटाकर दूरदराज के एरिया में भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि भारतीय सेना द्वारा यह कार्रवाई पिछले एक हफ्ते से जारी है। साथ ही कश्मीर के स्कूल कॉलेजों में मौजूद जवानों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। खाली हुए गांवों पर सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत करनी शुरू कर दी है, जहां से पाकिस्तान को उसकी किसी भी गुस्ताखी का जवाब दिया जा सकेगा। हालांकि सेना या सरकार की तरफ से बॉर्डर से सटे गांवों को खाली कराने का कोई रीजन नहीं बताया गया है। सेना की तरफ से यही खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी फौज इन गांवों को टारगेट करके सेलिंग कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें दुरुस्त इलाकों में भेजा गया है। मगर इससे पूर्व यहां इस बार के मुकाबले कई ज्यादा गोलाबारी हुई है, परंतु सेना द्वारा गांव खाली कराने की कोई कोशिश नहीं की गई। इन गांव में बड़ी तादाद में बंकर भी बने हुए हैं, जिनमें 40 से ज्यादा लोगों को आराम से रखा जा सकता है। पर बावजूद इसके सेना उन्हें एलएसी से 20 किलोमीटर के दायरे से भी दूर भेज रही है। इससे इस चर्चा को भी बढ़ावा मिला है कि एलओसी पर किसी भी पल जंग का बिगुल बज सकता है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान करेगा या भारत पीओके पर किसी एक्शन की तैयारी में है, इस बारे में दावे से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। मगर पाकिस्तान में जिस प्रकार राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई है और वहां पाक फौज को निशाने पर लिया जा रहा है, उससे बचने के पाकिस्तान के पास 3 ही विकल्प है। पाकिस्तान आर्मी वर्तमान पीएम इमरान खान का तख्ता पलट करके इस जनसैलाब को रोक सकती है। दूसरा, खुद इमरान खान असेंबली को भंग करके नए चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प यही है कि पाकिस्तान भारत के साथ सीधी जंग का ऐलान कर दे। आखिरी का विकल्प पाकिस्तान के लिए ज्यादा मुफीद है, क्योंकि इससे इमरान की सरकार भी बची रहेगी और भारत से जंग के रूप में पाकिस्तानी जनता भी एकजुट हो जाएगी। इसलिए अंदेशा यही है कि पाकिस्तान एलओसी पर हो रही गोलाबारी को बड़ा आकार देकर उसका रुख युद्ध की तरफ मोड़ सकता है। पर इसमें भी पाकिस्तान के लिए बड़ा जोखिम है, क्योंकि भारत से जंग की शुरुआत उसके लिए आत्मघाती हो सकती है। इस वक्त भारतीय सेना एलएसी से लेकर एलओसी तक पूरी तरह मुस्तैद है। भारतीय सेना अपने सैन्य साजो सामान के साथ चीन और पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान ने अपना तीसरा विकल्प भारत पर आजमाने की कोशिश की तो उसे भारी नहीं बहुत भारी क्षति उठानी पड़ेगी। भारत एशिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत की सैन्य ताकत के मुकाबले पाकिस्तान कहीं भी नहीं ठहरता है। ऐसे में इस्लामाबाद तक भारतीय सेना जो तबाही मचाएगी, पाकिस्तान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। साथ में भारतीय फौज पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के अपने क्षेत्रों तक सीधा अधिकार करेगी, जिसे बचा पाना कम से कम पाक आर्मी के बूते की बात नहीं है। भारतीय फौज द्वारा एलओसी के आसपास के गांव को खाली कराने की खबरें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आर पार का इशारा है। भारतीय सेना अपनी किसी भी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ऐसी तैयारियां होना भी जरूरी है, क्योंकि घरेलू हालातों में उपजे संकट में पाकिस्तान कोई भी चाल चल सकता है। खबरें तो ऐसी भी है कि पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा मुसलमान आतंकियों को घुसपैठ के लिए एलओसी के दूसरी ओर तैयार कर रखा है, जो भारत में घुसने के प्रयास में है। इसके लिए पाकिस्तान पहले से ही भारी गोलाबारी कर रहा है, मगर भारतीय जवानों की मुस्तैदी के चलते वह इसमें सफल नहीं हो पाया है। अंदेशा है कि इस घुसपैठ में पाक के एसएसजी कमांडो और बैट का भी सहारा लिया जा सकता है। पिछले हफ्ते ही पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा एलओसी का दौरा करके गए हैं। उनके जाने के बाद से पाक फौज की हलचल ज्यादा तेजी से बढ़ी है। एलओसी से जाने के बाद बाजवा ने पीएम इमरान खान से भी बैठक की है।
यानी पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ बड़ा करने की साजिशें रच रहा है। आईएसआई प्रमुख फैज हमीद की लश्करे तैयबा प्रमुख हाफिज सईद से मुलाकात भी पाकिस्तान की किसी प्लानिंग की तरफ इशारा करती है। पाकिस्तान ने एलओसी पर 20,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर लिया है, साथ ही उसने टैंक तोपे और एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय किए हैं। पर बावजूद इसके डर का आलम यह है कि कल पाक आर्मी ने अपना एक ड्रोन भारत का जासूस समझकर मार गिराया। पाक आर्मी चीफ ने सरगोधा और स्कार्दू एयरबेस को 5 मिनट के अलर्ट मोड पर रखा है। पीओके के सीएमएस को रावलपिंडी सेना हेडक्वार्टर से एक पत्र पिछली 6 अक्टूबर को लिखा गया है, जिसमें सैनिकों के लिए 50% बेड रिजर्व और ब्लड बैंक की व्यवस्था करने को कहा गया है। पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ वाले हिस्से से कुछ गांव खाली कराए हैं। इन गांवों में पाक सेना भी अपने ठिकाने बना रही है। पाकिस्तान जिस तरह उछल कूद मचा रहा है, उससे नहीं लगता है कि उसके इरादे ज्यादा ठीक हैं। पर इरादे इस तरफ भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। जिस दौरान मई में चीन ने एलएसी पर तनाव बढ़ाया था, भारत उसी वक्त से चाकचौबंद होना शुरू हो गया था। भारत की बड़ी रणनीति यही रही है कि उसने अपना पूरा फोकस केवल चीन पर ही नहीं किया, बल्कि एलएसी के समांतर ही एलओसी पर सैन्य तैनाती की गई है, क्योंकि भारत को आभास है कि जितना खतरा चीन से है, पाकिस्तान से भी कम नहीं है। एलएसी पर जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान अपनी मुल्लागिरी दिखाने से बाज नहीं आने वाला है। भारत ने तमाम आशंकाओं के मद्देनजर एलओसी और एलओसी को भेद किला बना दिया है। अब अगर पाकिस्तान किसी जंग के लिए मैदान में उतरने को तैयार है, तो भारत उसके लिए भी पूरी तरह रेडी है। इसी महीने की शुरुआत में जनरल नरवणे एलओसी के दौरे पर गए थे। ऐसे क्या तभी लगाए जाने लगे थे कि हालात इधर भी ज्यादा ठीक नहीं है, पर तब तक ऐसी हलचल नहीं थी जैसी पिछले 4 दिनों में देखने को मिली है। 13 अक्टूबर को ही पाक आर्मी द्वारा लिखा गया पत्र सार्वजनिक हुआ है। उसके बाद से ही एलओसी पर सेना की भारी हलचल देखी जा रही है। इसी दौरान पाक आर्मी चीफ चीन के VT-4 टैंक पर गधैया नृत्य करते हुए भी दिखाई दिए। ऐसे ही चाइनीज खिलौने के बल पर पाक फौज भारत से टकराने के सपने देख रही है। आने वाला महीना पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर यहां हालात ज्यादा खराब हुए तो भारत के पास इस मौके का फायदा उठाने का सही वक्त होगा। यहां से शुरू हुई राजनीतिक उथल पुथल इस मदरसा मुल्क को कहीं ना कहीं गृह युद्ध के कगार पर ले जा रही है। सेना के ऊपर लोगों का भरोसा कम होने लगा है, जबकि वर्तमान पीटीआई की इमरान सरकार पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। सेना भी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के खिलाफ दिख रही है, परंतु यह स्थिति अब ज्यादा देर नहीं रहने वाली है। 11 दलों वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आंदोलन जैसे जैसे तेज होगा, या मामला और तेजी से बिगड़ेगा। ऐसे में सेना को अपनी तरफ से कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। वह भारत के साथ खेलकर अपनी इज्जत बचाएगी, या फिर इमरान का तख्ता पलट करके अपनी साख बनाएगी, यह तमाशा देखने वाला होगा। पर इस पूरे घटनाक्रम में भारत फौज यह उम्मीद कर रही है कि पाकिस्तानी सेना एलओसी पर कोई ना कोई गलती जरूर करे, क्योंकि यही से भारत के संकल्प पूर्ण होने का रास्ता निकलेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।